नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हमारे आज के मेहमान एक जर्नलिस्ट, टीवी एंकर, एडिटर, खास करके एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे श्री अभिलाष खांडेकर जी। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप बहुत लंबे समय से एक लीडिंग न्यूज़पेपर में संपादक रहे हैं, आपने हेड भी किया है, और इसी दौरान आप बहुत सारे स्टेट्स में रहे जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र। वहाँ के रीडर्स किस टाइप का कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं, आपका क्या असेसमेंट रहा है? पिछले 40 वर्षों की पत्रकारिता में मैंने अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, अलग अलग भाषाओं में काम किया। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग आवश्यकताएँ होती है, अलग अलग पाठक वर्ग अलग अलग पढ़ने की इच्छा रखता है। हिंदी का पाठक वर्ग अलग चाहता है, मराठी का अलग चाहता है, अंग्रेजी वाला और कुछ अलग चाहता है। मसलन मैं आपको बताऊं कि जब मैं दिल्ली में था तो अंग्रेजी के जो अखबार हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इश्यूज़ को बहुत प्रमुखता से वो अपने अखबारों में उसका कवरेज करते हैं। उनके जो संपादकीय होते हैं, मतलब या जो संपादकीय पेज या एडिटोरियल जो रहता है, वो काफ़ी विचारोत्तेजक होता है। हिंदी में धीरे धीरे कुछ अखबारों ने ये माना कि संपादकीय जो होता है, जो समाचार पत्र होता है, उसकी भूमिका होती है। पहले समाचार पत्र ये कहते थे कि हम ये मानते हैं कि समाज इस तरीके से दिशा में जाना चाहिए, सरकार ऐसे काम करना चाहिए, तो आजकल वो संपादकीय जो है वो भी काफ़ी हिंदी के अखबारों में कम हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से मैंने इंदौर से पत्रकारिता प्रारंभ करने के बाद मैं भोपाल में आया, फिर वहाँ से महाराष्ट्र में गया, वहाँ से दिल्ली गया, तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रांतों में काम करने के बाद मैं ये समझ में आया कि समाज वहाँ का जैसा रहता है वैसे अखबार अपने आप को डिज़ाइन करता है, और जो पाठक चाहता है उसके हिसाब से खबरें दी जाती। और पहले अंग्रेजी के अखबार लीड करते थे पूरे देश को, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया था, उसमें हिंदू था, हिंदुस्तान टाइम्स था, स्टेट्समैन था, या इस तरीके से जो अखबार थे यही राष्ट्रीय अखबार माने जाते थे। और ये जो लोग ये अखबार जो लिखते थे, देश उसी को मानता था कि ये सही माना जा रहा है। यद्यपि हिंदी अखबार उस ज़माने में नई दुनिया जैसा अखबार मध्य प्रदेश का बहुत प्रमुख और बहुत अच्छा अखबार माना जाता था, सिर्फ उसकी एक इंदौर में एक उसकी एडिशन थी या जिसको कहते हैं संस्करण था, लेकिन पूरे देश में धूम मचाता था। उसके दो कारण थे, नई दुनिया में गलतियाँ बहुत कम होती थी, उसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती थी, उस नई दुनिया अखबार को बहुत अच्छे तरीके से संजोया था, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल की खबरें, शहर की खबरें, राजनीति की खबरें, इन सबको प्रमुखता दी जाती। लेकिन अंग्रेजी अखबारों में पहले प्रमुखता से जो मुख्य पृष्ठ रहता है उस पर सिर्फ राजनीति की खबरें आती थी। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि समाज में और लोगों को, पाठकों को भी बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है, और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अब एक पाठक बन चुका है अखबारों का, तो महिलाओं के क्या इश्यूज़ हैं या उनके क्या मुद्दे हैं, उनको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो वो सारी खबरें भी फ्रंट पेज पे अब आना शुरू हो गई। मसलन सोने की कीमतें बढ़ जाती है तो उसके ऊपर भी फ्रंट पेज पर खबरें आती है, क्रिकेट के बारे में आती है, मतलब अलग अलग प्रधान युवाओं को भी यदि पढ़ने के लिए प्रवृत्त करना है तो क्रिकेट जैसा एक बड़ा खेल है। आपने देखा होगा पिछली बार IPL में धोनी की टीम ने जिस तरीके से गुजरात रॉयल्स को हराया, तो सारे अखबारों ने उसको प्रमुखता से दिया। तो भले ही वो बॉल टू बॉल कॉमेंट्री चल रही थी, पूरा लाइव टेलीकास्ट था, लेकिन फिर भी दूसरे दिन लोगों ने उसको अखबारों में पढ़ने को काफ़ी प्राधान्यता दी। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी अखबार के फ्रंट पेज पे यदि 10 या 12 खबरें होंगी तो उसमें से 2 या 3 राजनीति की होती है, बाकी शहर को लेकर रहती है, क्राइम को लेकर रहती है, मतलब जिस तरीके से गुनहगारी की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको लेकर रहती है, कोई एक ह्यूमन राइट्स की या ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी होती है एंकर के रूप में, वाइल्ड लाइफ के ऊपर कुछ होता है। पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में हाथी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, उसके बारे में खबरें आ रही हैं। यदि मध्य प्रदेश चीता राज्य बन गया तो चीते के ऊपर खबरें पूरे देश के अखबारों में फ्रंट पेज पे छप रही है। तो जैसे जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है, विषय वस्तु बदलती, वैसे वैसे अखबार के संपादक भी लोगों को क्या पढ़ने के लिए ज़रूरी है उसके आधार पर अपनी खबरों का संयोजन करते हैं, और उसी हिसाब से 10 पेज का अखबार, 8 पेज का अखबार, 24 पेज का अखबार, उसमें अलग अलग खबरें दी जाती है। सर, अगर हम MP की बात करें तो 2 न्यूज़पेपर्स हमेशा लीड में रहे हैं, बाकी अपनी जगह बना नहीं पाए, तो अगर हम बाकी न्यूज़पेपर्स को देखें तो उनका सर्कुलेशन 5% भी नहीं रहता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न ये है? ये जो जिसको कहते हैं ये जो डेवलपमेंट है या ये जो आपने मुद्दा उठाया, ये अभी पिछले 10-20 साल का है। उसके पहले तो पूरे मध्य प्रदेश का एक ही अखबार माना जाता था, या 2 अखबार थे जो अलग अलग क्षेत्रों से प्रकाशित होते थे। भोपाल से नवभारत प्रकाशित होता था, और जो नागपुर, जबलपुर, रायपुर तक जाता था, और इंदौर से नई दुनिया प्रकाशित होता, उसके नीचे इंदौर समाचार था और दूसरे भी अखबार थे। लेकिन अंग्रेजी अखबार मध्य प्रदेश से बहुत कम निकले, एक MP क्रॉनिकल बड़े बहुत साल तक निकलता रहा, जो नवभारत के ही समूह से निकलता था।
पिछले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये बात हुई है कि दैनिक भास्कर ने सारे अखबारों को अपने कंटेंट, मतलब उसमें जो खबरें छपती है, उसमें जो विचार छपते हैं, उसमें जो न्यूज़ और व्यूज़ ऐसे दो जो पेजेस होते हैं, तो उस उन्होंने जो गठबंधन किया विदेशी अखबारों के साथ में या टाइम मैगजीन के साथ में, तो उन्होंने ये समझा कि अखबारों को हमेशा बदलते रहना चाहिए, और यदि पाठक हाथ से छूट गया, यदि पाठकों को जो चाहिए उसका विश्लेषण आपके अखबार में नहीं मिलता है, तो फिर लोग वो अखबार छोड़ के दूसरे अखबार को पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन देश भर में भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग भाषाओं के अखबार लग रहे हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे तो मराठी अखबार का डोमिनेशन है, उड़ीसा में देखेंगे तो वहाँ के अलग अखबार है, बंगाल में देखेंगे तो बंगाली अखबार ज़्यादा प्रभुत्व है उनका या उनका मार्केट लीडरशिप है, या गुजरात में देखेंगे तो गुजराती अखबारों में भी काफ़ी टसल चलती है। तो मूल रूप से अलग अलग मार्केट्स में मुश्किल से एक या दो या तीन ही अखबार ज़्यादातर रहते हैं। नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी के टॉप तीन तीन न्यूज़पेपर्स वहाँ पर बड़ी संख्या में बिकते हैं। तो वहाँ पर हितवाद नाम का बहुत पुराना अखबार है, वहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, वहाँ इंडियन एक्सप्रेस भी है, वहाँ लोकमत टाइम्स भी है। मराठी में लोकमत है, सकाळ है, लोकसत्ता है, महाराष्ट्र टाइम्स है। अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी अखबार मैंने बता दिए। हिंदी में नवभारत, दैनिक भास्कर और बाकी अखबार हैं। तो वहाँ पर पहले 10 अखबारों में बड़ी कशमकश की कंपटीशन। तो दैट इज़ द ओनली सिटी विच डोमिनेटेड बाय ऑल द थ्री लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। लेकिन वैसा चेन्नई में नहीं है, पुणे में नहीं है। सर, जैसे आपने बात करी कि नागपुर में थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स की डोमिनेंस है, सर मैं जानना चाहूँगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो इतना नोन न्यूज़पेपर रहा है शुरू से, इसके कंटेंट में और बाकी न्यूज़पेपर्स के कंटेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक तो 175 साल से भी पुराना अखबार है। पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में था, फिर बाद में दूसरे लोगों के हाथ में था, अब जैन समूह उसका संचालन करते हैं। उन्होंने लगातार न्यूज़पेपर्स को सोसाइटी से, मतलब समाज से जोड़ के रखा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा देश के बाघों की जो संख्या है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैसूर में जारी करी और ये बताया कि देश में 3000 से ऊपर टाइगर हैं। उसको लेके टाइम्स ऑफ इंडिया लगातार एक अच्छा कैंपेन कर रहा है। उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जिनको बाघों से कोई सीधा संबंध नहीं। मसलन संदीप पाटिल का इंटरव्यू उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा कि बाघ क्यों महत्वपूर्ण है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट है, मुंबई में रहता है, वो संदीप पाटिल से बाघों के ऊपर बात कर रहा है। अच्छा। या उन्होंने हर शनिवार को एनवायरनमेंट के लिए एक पूरा पेज देने की कोशिश करी और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर 900-950 पेज की किताब निकाली उन्होंने। अब पिछले कुछ दिनों से वो प्लास्टिक फ्री देश इसके ऊपर कैंपेन कर रहे हैं। उनके पास देश का सबसे बढ़िया कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण थे जिन्होंने लगातार वर्षों तक रोज पॉकेट कार्टून फ्रंट पेज पर छापते रहे। वो तो उन्होंने कॉमन मैन का चित्र लेके उन्होंने उसको एक हर तरीके से, तो वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी कहते थे कि मैं सुबह उठने के बाद में सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्टून देखता हूँ और उसमें मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा टिप्पणी रहती है लेकिन मुझे वो पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है और मैं आर के लक्ष्मण साहब को फ़ोन करके बोलता हूँ। तो ये प्राइम मिनिस्टर खुद ने, नेहरू जी ने कहा था। लेकिन अब समय बदल गया है, यदि कोई कार्टूनिस्ट या कोई अखबार वाला यदि पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ बोलता है तो पॉलिटिशियंस नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन पहले का समय अलग था। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी अखबारों के जो रिपोर्टर्स होते हैं, सब एडिटर्स होते हैं, कॉलम राइटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, इन लोगों का पढ़ना लिखना, इन लोगों का इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें बहुत अलग होती है और उसी से कंटेंट ड्राइव होता है। सर, अभी पिछले कुछ दिनों में आपने एक आर्टिकल लिखा है गरीबी के ऊपर, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या है वो एग्जैक्टली। जो मैंने आर्टिकल लिखा है उसका हेडिंग ही मैंने ये दिया था कि गरीबी हटाओ अमीरी बढ़ाओ। तो इसके रेफरेंसेस दो अलग अलग है। पिछले दिनों भोपाल में एक एमएन बुच मेमोरियल लेक्चर हुआ, उसमें उड़ीसा के एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने उड़ीसा के सबसे गरीब जो जिला था कालाहांडी उसके बारे में जिक्र किया और उन्होंने गरीबी के ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन एक घंटे दिया। करीब 150-200 लोग थे वहाँ पर, काफ़ी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत सारे लोग थे। तो उसके आधार पे मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ दिनों से कि गरीबी के बारे में लिखा जाना चाहिए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि लिखूंगा उसके ऊपर लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो इसको लेके मैंने अभी लेख लिखा है जो दो दिन पहले छपा है। तो 1971 के चुनाव के पहले देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ नाम का नारा दिया था और वो लोग इतना लोकप्रिय हो गया था कि वो 1971 के चुनाव भारी बहुमत से जीत के वापस आ गई थी। लेकिन वो दिमाग में था, कई वर्षों से था और लगातार वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स में ये बात आती रहती है कि इंदिरा जी ने गरीबी के मामले में काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, सब कुछ किया था। लेकिन 1971 के बाद में गरीबी कम नहीं हुई, गरीबी बढ़ती चली गई। फिर एक बार मेरे को मुकेश अंबानी जी से मिलने का मौका मिला इंदौर के IIM में, मैंने उनसे कुछ बात करी तो उनका कि मैं तो गरीबी हटाओ के पक्ष में नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या चाहते हो? तो बोले मैं चाहता हूँ कि अमीरी बढ़ाओ।
तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, तो बोले अमीरी बढ़ेगी, वेल्थ जनरेशन होगा तो निश्चित रूप से गरीबी भी पीछे हटेगी और गरीबी खत्म होगी। सिर्फ गरीबी हटाओ ये पॉलिटिकल नारे से काम नहीं चलेगा, ऐसी थोड़ी बहुत जो बातचीत हुई थी वो उसको भी काफ़ी साल हो गए। उन दोनों का मिलन करके मैंने पॉवर्टी के आंकड़े दिए हैं और ये भी कहना मेरे को यहाँ पर मुनासिब होगा कि देश का सबसे गरीब जिला मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है अलीराजपुर, तो वहाँ भी मेरे को जाना है एक बार देखने के लिए। तो अब नीति आयोग ने पिछड़े जिलों को बदल के उसका नामकरण बदल दिया, जैसे प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग हो गया, इसलिए पिछड़े जिलों का नामकरण बदल के उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो उसमें राजगढ़ है, अलीराजपुर है, विदिशा है, अलग अलग हमारे यहाँ के जो जिले हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स, चाहे वो हेल्थ का पैरामीटर हो, चाहे एजुकेशन का हो या सोशल डेवलपमेंट का हो, इसमें जो जिले पिछड़ रहे हैं पूरे देश के, उन जिलों का एक वर्गीकरण नीति आयोग ने किया है। तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी काफ़ी 36% के आसपास गरीबी है, बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है जहाँ 51% गरीबी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने वो गरीबी के ऊपर एक लेख लिखा है और ये लोगों का ध्यान आकर्षण करने की बात की है कि इस देश में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, अर्थात गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, ऐसी ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट भी मैंने उसमें कोट किया है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब कब गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे, तो गरीबी रेखा नाम की जो रेखा थी BPL जिसको बोलते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी अब नीति आयोग ने लगभग उस पर बातचीत करना बंद कर दिया है। तो अब गरीबी को कौन हटाएगा, और पिछले दिनों आपने विज्ञापन देखे होंगे 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन दिया जा रहा है, तो क्योंकि वो गरीब है। तो यदि 80 करोड़ लोग यदि गरीब हैं तो 140 करोड़ में से 20-40 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर है, तो क्या ये आदर्श स्थिति है, ऐसे प्रश्न उसमें कुछ मैंने उठाए। बट सर मुझे एक क्वेश्चन है कि आपके इस गरीबी वाले आर्टिकल पे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया? अभी तो नहीं आया है क्योंकि 2 ही दिन हुए हैं लेख छपकर, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार के खिलाफ में नहीं है। मूल बात यह है कि एक सामाजिक मुद्दा है जिसके ऊपर कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके पहले अलग अलग समय पर जब मैंने अलग अलग पॉलिटिशियंस को अटैक किया था तब काफ़ी प्रेशर्स आए थे, लेकिन प्रेशर इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल करियर। तो इस आर्टिकल के मामले में कुछ नहीं आया, लेकिन इस मामले में इसको काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है कि गरीबी के मामले में जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि अंग्रेजी अलग लिखता है, गरीबी के ऊपर हमारे यहाँ पर पारंपरिक रूप से हिंदी अखबार लिखते थे, अंग्रेजी अखबार गरीबी को लिखते ही नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजी अखबार का जो पाठक होता है ऐसा माना जाता है कि वो गरीब वर्ग नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद मैंने अंग्रेजी में लिखा है ये लेख, कुछ दिनों में हिंदी में भी आएगा, शायद मराठी में भी आएगा, पर मूल बात यही है कि अंग्रेजी का वाचक वर्ग अलग है, मराठी का वाचक वर्ग अलग है, लेकिन गरीबी तो ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कहते हैं कि जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूनाइटेड नेशंस ने जो डिसाइड किए हैं, उसका सबसे पहला टारगेट ही या गोल ही उसका ये है कि गरीबी को पूरे विश्व से हटाना है। तो ये वैश्विक समस्या है, तो इसके बारे में सबको लिखना चाहिए। सर आपने अपने करियर का एक बहुत सारा टाइम प्रिंट मीडिया में इन्वेस्ट किया है एंड उसके बाद आपने एकदम से डिजिटल मीडिया में स्विच करा, तो क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी थी इसमें जो आपने ये ट्रांजिशन लिया? नहीं, ट्रांजिशन मैंने पूरे तरीके से नहीं लिया था, मैं कोई फुल टाइम टेलीविज़न का जर्नलिस्ट नहीं रहा, लेकिन ये निश्चित है कि जब मैं दिल्ली में नेशनल पॉलिटिकल एडिटर के रूप में 2013-14 में जब मैं दिल्ली गया तो दैनिक भास्कर का नेशनल पॉलिटिकल एडिटर था, तो उसके बाद मैं लोकसभा टेलीविज़न में देखता था, वहाँ कुछ इश्यूज़ को लेके मेरे से कुछ कंसल्टेशन हुआ, तो उस टेलीविज़न को देखने वालों की संख्या राज्यसभा टेलीविज़न से बहुत कम थी, तो उसको कैसे उठाया जाए। जैसे अखबारों के मामले में कहते हैं कि अच्छा अखबार वही होता है जिसमें अच्छी चीज़ें लिखी जाती है, टेलीविज़न भी अच्छा वही होता है जिसमें ऐसी खबरें हों जो लोगों को पसंद आती हों। हमारी जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, हम भोपाल लेक ले लें, भले गंगा या यमुना ले लें, इनकी क्लेनलीनेस पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जाता है पर कुछ खास रिजल्ट्स नहीं होते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? बिल्कुल सही प्रश्न है ये, और इसके बारे में हम सब लोगों को चिंता करना चाहिए कि हमारी नदियाँ स्वच्छ रहे, हमारे तालाब स्वच्छ रहे, लेकिन हम जो मनुष्य जाति है वही इसका सबसे बड़ा विरोधी है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब 1.5 साल के आसपास लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों को घर पर बैठना पड़ा, तो गंगा जी बिल्कुल क्लीन हो गई, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई, और निर्मल गंगा जिसको कहते हैं उसका अभियान जो केंद्र सरकार ने छेड़ा था 2014 में, उमा भारती मंत्री थी उसकी वाटर रिसोर्सेज की, तब प्रधानमंत्री जी ने यह कार्यक्रम शुरू किया। इसके पहले राजीव गांधी जी ने गैप नाम का कार्यक्रम शुरू किया था, गंगा एक्शन प्लान 1985 में, लेकिन फिर भी गंगा जी साफ़ नहीं हुई। यमुना जी उसकी सब ट्राइब्यूटरी है, उसके और भी दूसरी ट्राइब्यूटरीज है, हमारे यहाँ चंबल है, बाकी भी नदियाँ हैं, ये लेकिन मूल बात यह है कि हम यदि उसमें प्लास्टिक डालेंगे, हम उसमें गंदा पानी डालेंगे, तो फिर ये नदियाँ ये तालाब कैसे साफ़ होंगे। पिछले दिनों हमारे इंदौर के 2 तालाबों को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, रामसर साइट बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन नाम की एक जिनेवा में 1971 में एक संस्था थी जिसने ये पाया कि विश्व के जितने भी तालाब हैं उनके हालात बहुत ख़राब हैं, तो उनको बचाने के लिए कोई उपाय योजना करना चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग तालाब जो अच्छे हैं उनको एक रामसर साइट के रूप में दर्जा देने की शुरुआत करी। तो मध्य प्रदेश में अब ऐसे 4 रामसर साइट बन गए हैं, भोपाल का जो बड़ा तालाब है वो है, दूसरा इंदौर का सिरपुर तालाब है, तीसरा यशवंत सागर है और संख्या झील शिवपुरी की है। ये 4 ऐसे तालाब हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग स्टेटस या अलग दर्जा मिला है। इसका मतलब ये हुआ है कि समाज को इन तालाबों को और अधिक तैयारी से अच्छे रखना है, उनको किसी भी तरीके से पोल्यूट नहीं होने देना। सर यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद आपसे बहुत सारी बातें और करें। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रिंट मीडिया की। सर प्रिंट मीडिया से डिजिटली सब कुछ शिफ्ट हो गया है, तो अगर हम व्यूअरशिप की बात करें तो लास्ट 4 इयर्स में क्या डिफरेंस आपने देखा है? देखिए कोरोना के समय में बहुत सारी सरकारों ने अखबारों को प्रकाशित और जिसको कहते हैं सर्कुलेशन के लिए पाबंदी लगाई थी। महाराष्ट्र सरकार उसमें बहुत अग्रणी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब बंद हो गए थे, और जहाँ पर अखबार छप रहे थे वहाँ पर भी लोग घर में अखबार लेने से डर रहे थे। उनको लग रहा था कि हॉकर को यदि कोरोना हो गया होगा या प्रिंटिंग प्रेस में किसी को कोरोना हो गया होगा और उस अखबार के जरिए हमारे घर में यदि कोरोना आ जाता है या कोविड आ जाता है तो हमको बहुत खतरा होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उस समय अखबार पढ़ना बंद कर दिया था, लेना बंद कर दिया था। लेकिन अखबार के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी, खबरों के बिना कैसे चलेगी, तो लोग अपने आप टेलीविज़न पर शिफ्ट हो गए थे। और साथ साथ में जो युवा लोग थे वो डिजिटल पर शिफ्ट हो गए थे, तो निश्चित रूप से डिजिटल पर खबरें भी मिल रही थी, वीडियोस भी आ रहे थे, पूरे देश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी अलग अलग तरीके से। अखबार नवीस तो काम कर ही रहे थे पूरे देश में, लेकिन अखबारों के ऊपर कुछ पाबंदियाँ थी या लोगों ने डर के मारे बंद कर दिया था। लेकिन टेलीविज़न में ऐसा कोई डर नहीं था, तो टेलीविज़न लगभग लोग 24 घंटे देख रहे थे, लोग अपने ऑनलाइन के माध्यम से चीज़ों को देख रहे थे, अपने मोबाइल पर सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो ऐसे समय में फिर विज्ञापन भी धीरे धीरे उधर चले गए, और आज भी लोग बताते हैं कि बड़े से बड़े अखबार चाहे वो दैनिक भास्कर हो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इनको कोविड के पूर्व का जो सर्कुलेशन है वो दे हैव नॉट बीन एबल टू रीगेन, मतलब उनको ये वापस नहीं मिला है, क्योंकि लोगों की आदतें बहुत जल्दी से बदल गई। लोगों ने कहा जब इस पर मिल रहा है तो घर में हम क्यों खर्चा करें 100-200-400 रुपये जो भी 2 अखबारों के लिए एक अखबार के लिए खर्च करना है, तो लोगों ने इस पर खबरें पढ़ने की आदत बना ली, टेलीविज़न देखना शुरू कर दिया, उनका काम हो गया।
तो इसलिए अब धीरे धीरे, और उससे भी आगे बात ये चल रही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब नेटफ्लिक्स और OTT पर जा रही है, तो ऐसा एक सर्वे आया है कि धीरे धीरे लोगों ने टेलीविज़न भी देखना कम कर दिया है। मैंने खुद ने देखा कि मैं पहले टेलीविज़न पर फिल्में बहुत देखता था, धीरे धीरे मेरे को भी उसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो बिना टेलीविज़न के भी मैं रह सकता हूँ। तो ये जब लोगों को पता लगने लगा कि बिना समाचार पत्र के भी रह सकते हैं, बिना टेलीविज़न के भी रह सकते हैं दूसरे एंटरटेनमेंट के चैनल से, तो लोग धीरे धीरे उधर जा रहे हैं और रेवेन्यू भी उधर खिसक रहा है। इसलिए अखबारों के मालिकों में चिंता है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंटेड वर्ड जो है, मतलब जो छपा हुआ शब्द है, वो अभी भी शाश्वत है। मतलब वो अभी उसके ऊपर लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि कोई अखबार में कोई चीज़ छप के आई है, इसका मतलब वो सत्य है। पर आज भी मैं कह रहा हूँ कि अखबार 90% वही चीज़ छापते हैं जो वाकई समाजों में हो रही है, अलग अलग शहरों में हो रही है, उन्हीं घटनाओं को प्राधान्य देते हैं। अगर देखा जाए तो जो भी मीडिया सोर्सेज हैं, इनका मेन रेवेन्यू जनरेशन इज़ फ्रॉम एड्स। तो सर, इससे रेवेन्यू सोर्स कैसे अफेक्ट हो रहा है और जो मीडिया है वो कैसे सर्वाइव करेगी इन कमिंग ईयर्स? ये बात सही है कि मीडिया का स्वरूप बदलने वाला है जी। आज जो स्वरूप हमको अलग अलग रूपों में दिख रहा है, चाहे अखबार हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इसमें बहुत सारे बदलाव अगले कुछ वर्षों में आने वाले हैं, निश्चित है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है और टेक्नोलॉजी बदलेगी। आज से 10 साल पहले हमने ये सोचा नहीं था कि हम हमारे मोबाइल में सारी कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे। आज आपका मोबाइल जो है वो आपका पूरा कार्यालय हो गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप मेल उस पर भेज सकते हो, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब नई और कुछ टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसके चलते, लेकिन लोगों को जो पढ़ने की जो अर्ज है, जो लोगों को नई नई चीज़ें जानने की जो इच्छा है, जो क्यूरियोसिटी है कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क गए हैं, वाशिंगटन गए हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, या हमारे गांव के पड़ोस में कुछ आग लग गई है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं पर एक कुआं धसक गया है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तो हमको जो जानने की जो आदमी की जो स्वभाव है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जाके वो ढूंढेगा कि मेरे को जो चाहिए वो कहाँ मिले, उसका प्लेटफॉर्म बदल सकता है, और वो जो प्लेटफॉर्म बदलेगा तो उसके हिसाब से यदि वाचक वर्ग यदि वहाँ पर चले जाएगा तो रेवेन्यू भी वहीं से आएगा। अल्टीमेटली जब मैं क्रिकेट में भी हूँ तो क्रिकेट में देखता हूँ कि स्टेडियम के अंदर एडवर्टीज़मेंट के लिए पहले सिर्फ आसपास पूरे गोल घेरे में विज्ञापन लगते रहते थे, आजकल टेलीविज़न ने इतना डोमिनेट कर दिया है कि टेलीविज़न में एक ओवर ख़त्म होने के बाद में विज्ञापन बीच में आ जाता है, क्योंकि लोगों को मालूम है, जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां उनको मालूम है कि ये पर्टिकुलर मैच जो है, इंडिया पाकिस्तान ले लें यदि कोई मैच होने वाला हो तो बहुत हज़ारों लोग देखते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोगों ने फाइनल देखा IPL का, तो 13 करोड़ लोगों ने यदि वो फाइनल देखा है तो उसमें से 6 करोड़ लोगों ने तो विज्ञापन देखे ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ज़्यादा पाठकों का रुझान है, जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होंगे, वहाँ पर विज्ञापन लोग करेंगे। फिर वो चाहे न्यूज़पेपर हो, मतलब न्यूज़पेपर की भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो हम उसको दैनिक न्यूज़पेपर, मतलब डेली न्यूज़पेपर बोलते हैं, लेकिन डेली न्यूज़पेपर में जिस तरीके का कंटेंट है उसके चलते बहुत सारे साप्ताहिक भी अब बंद हो गए, मतलब वीकली न्यूज़पेपर्स बंद हो गए हैं, वीकली मैगजीन बंद हो गए, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है। आज कोई घटना हुई उसका विश्लेषण आप 7 दिन बाद पढ़ोगे, वो तो समय बचा नहीं है, बिकॉज टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, तो लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट। तो अकॉर्डिंगली जो लोग अपने आप को बदल लेंगे वो आगे जाएंगे, नहीं तो पिछड़ जाएंगे वो। AI एंकर्स के आने से ब्रॉडकास्ट मीडिया और जॉब रोल्स नेक्स्ट 10 ईयर्स में कैसे अफेक्ट हो सकते हैं? तो देखिए, AI के ऊपर पूरे विश्व भर में चिंता चल रही है, और कई दिन पहले लोगों ने ये एक सेमिनार में कहा अमेरिका में कि AI इज़ गोइंग टू हैम्पर द ह्यूमैनिटी। मतलब यदि हर जगह यदि, जैसे हम सब लोग बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे को यदि काटो तो खून निकलेगा, हमारे को पानी पीने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, उसकी जगह यदि मशीन ने ले ली, तो ये समाज जो मानवीय समाज है, जैसे हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, उसके बीच में यदि AI के, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तो क्या संभावना बनेगी। तो जब कंप्यूटर्स आए थे तब लोगों ने कहा कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन AI के आने से बहुत सारे खतरे हैं। सर, अब मैं एनवायरनमेंट की बात करना चाहूँगी आपसे, जो आपका काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। PM ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था और हम देखते हैं इंदौर हमेशा से फर्स्ट आता रहा है और भोपाल सेकेंड या थर्ड पोजिशन पर ही रहता है, तो सर हम कहाँ पीछे रह जाते हैं हमेशा? स्वच्छता अभियान वैसे देखा जाए तो एक नगर निगम के जो म्यूनसिपल कमिश्नर या महापौर, इनका काम होता है कि नगर स्वच्छ रहे, साथ साथ में नागरिकों का भी काम रहता है। लेकिन हमारा देश इतना गंदा हो चुका था कि प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ सर्वेक्षण नाम का एक अभियान शुरू किया 2015-16 में, और उसको उन्होंने पूरे देश में अलग अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा अभियान है ये।
और इंदौर का नाम लिया तो इंदौर में पिछले 6 साल से लगातार क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड जो है, मतलब सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है वो इंदौर शहर को मिला। भोपाल को 2 बार या 3 बार स्वच्छ राजधानी के रूप में उसको एक तमगा मिला है, लेकिन बहुत सारे शहर आज भी इस देश में इस स्वच्छता अभियान को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इंदौर का लेने के पीछे का मुद्दा यह है कि इंदौर में बाहर से 5-7 साल पहले भी आया हुआ बाहर का आदमी कहता है ये मेरा शहर है, तो जो ओनरशिप लेते हैं किसी चीज़ की तो फिर उसमें एक रिज़ल्ट अलग से दिखता है। भोपाल में अलग 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 जगह से लोग रहने आए हैं, यहाँ भोपाल में भी आप 4 तरीके की कॉलोनीज बड़ी या बड़े क्षेत्र माने जाते थे, एक BHEL का पिपलानी क्षेत्र है और उसके आसपास का क्षेत्र है, एक पुराना भोपाल है, एक बैरागढ़ का भोपाल है, एक नए भोपाल में 4 इलमिली अरेरा कॉलोनी, तो ये सब आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं है, इंदौर भी बहुत बड़ा शहर है लेकिन शहर पूरा अपने आप को अपना एक यूनिट मानता है। अब रही भोपाल की बात तो भोपाल एक ब्यूरोक्रेटिक टाउन है, यहाँ पॉलिटिकल टाउन है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से, लेकिन मूल बात यह है कि जब भारतीय आदमी विदेश में जाता है कहीं, वो दुबई जाए, सिंगापुर जाए, लंदन जाए, बीजिंग जाए, तो वहाँ जाके वो गंदगी नहीं करता, अपने देश में गंदगी क्यों करता है? तो इसलिए लोगों की, मतलब नागरिकों की भी जो जवाबदारी है उसका भी परिपालन और उसकी भी पूर्णता होना चाहिए। सर, अभी आपने इंदौर की बात करी, इंदौर में ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन भी है जिसके आप प्रेसिडेंट हैं। सर, उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी और आपसे एक छोटी सी शिकायत भी है कि सर, हमारे मध्य प्रदेश या भोपाल से ही इंडियन टीम में कोई प्लेयर क्यों नहीं जाते हैं? तो आपकी शिकायत गलत है। हाँ, निश्चित रूप से मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमारा कार्यालय भी, जो मुख्यालय हमारा इंदौर में है। होलकर क्रिकेट की जो टीम थी वो रणजी ट्रॉफी कई वर्षों से जीती जाती थी और आज वो पहला दिन है, आज ही वो दिन है जब 1932 में पहली टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड में खेली गई थी और उसकी कप्तानी CK नायडू साहब ने की थी जो इंदौर के थे। आवेश खान है, उसके बाद भोपाल की लड़की है सौम्या तिवारी, उसने अभी विनिंग रन बनाया U19 में, जो पहली बार लड़कियों का वर्ल्ड कप जीता गया, तो वो लड़की भोपाल की है। उसके बाद में पूजा वस्त्रकार शहडोल की है जो इंडियन टीम में काफ़ी दिनों से खेल रही है, मतलब महिला क्रिकेट की बात करें। पुरुष क्रिकेट में भी अलग अलग फॉर्मेट में इंदौर के 2 लड़के खेल रहे हैं, बाहर के लड़के खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो रणजी ट्रॉफी जीती, पहली बार जीती 70 साल में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में, उसमें मुश्किल से 2 या 3 लड़के इंदौर के थे, बाकी तो सब पूरे मध्य प्रदेश के थे। रीवा से भी खेल रहे थे, शहडोल से खेल रहे थे, भोपाल से खेल रहे थे। तो ये निश्चित बात है कि क्रिकेट हर जगह पर खेला जा रहा है और मध्य प्रदेश के जो 51-52 जिले हैं वहाँ पर हर स्तर पर क्रिकेट खेला जा रहा है और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जो फंड्स मिलते हैं वो BCCI से मिलते हैं, उसी के आधार पर हम डोमेस्टिक, मतलब घरेलू क्रिकेट जो है उसकी प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, वी हैड एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।